आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। निगम के MOH के अधिकारियों ने स्कूल के विद्यार्थियों को किया जागरूक। देखिए अर्थ प्रकाश की खास रिपोर्ट। आज हम स्कूल में आए हैं बच्चों को प्लास्टिक के बारे में करने के लिए कि जो भी प्लास्टिक है आप इकट्ठा करके हमें नगर निगम की तरफ से और सभी स्कूलों में ड्राइव चलाई जाए। कुछ दिनों बाद हम ई वेस्ट के लिए ड्राइव चलाएँ। आज बच्चे अपने घर से सर जो आज MC द्वारा आपके स्कूल में एक ड्राइव चलाई गई है मतलब अवेयरनेस की इसको लेके क्या कहना चाहिए? देखिए स्कूल को स्वच्छ करना और चंडीगढ़ को स्वच्छ करना ये दोनों ही अच्छी बात है और ख़ास करके MC का तो बहुत अच्छा रोल रहा है। जहाँ कहीं भी अगर हम स्वच्छता की बात करते हैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और MC डिपार्टमेंट भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ चलता है और इसके साथ साथ ई वेस्ट जो है और दूसरी जो प्लास्टिक है इसकी NSS प्रोग्राम ऑफिसर होने के नाते मैं अपने वॉलंटियर्स के साथ हमेशा रैली है वो निकाली जाती है, स्वच्छता शपथ ली जाती है असेंबली के अंदर हो या बाहर परेड ग्राउंड में हो। तो हमारा ये हमेशा प्रयास रहता है कि हम अपने शहर को अपने स्कूल को अपने घर गली मोहल्लों को सबको स्वच्छ रखें और सिर्फ चंडीगढ़ ही नहीं हम तो पूरा भारत को पूरे संसार को स्वच्छ रखना चाहते हैं ताकि ये हमारी जो पृथ्वी है इस पे जो है हम बढ़िया तरीके से सर्वाइव कर सकें और अपना जीवन अच्छे तरीके से हम निर्वाह करें। सर आखिर में आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे प्लास्टिक ले बैग के लोगों की कितना हानिकारक है? बच्चों से तो हम हमेशा कहते ही हैं और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे हैं उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो प्लास्टिक का यूज़ ना करें। उसका अल्टरनेट हमारे पास है उसकी जगह हम जूट के कपड़े के उनका बैग का हम इस्तेमाल करें और जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो कंज्यूम हो जाती हैं और इस धरती से मिल जाती हैं हमें उन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू सर। जो आज MC ने मुहिम चलाई है सिंगल यूज़ प्लास्टिक की क्या कहना चाहेंगे? ऐसे है हमें कल इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये कलेक्ट कर रहे हैं प्लास्टिक के जितने भी जो वेस्ट हैं तो हमने जो मोटिवेट किया अपने स्टूडेंट्स को तो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ला रहे हैं। आज कुछ स्टूडेंट लाए हैं तो ये रूटीन में आता रहेगा तो हम इसको डिस्पोज अप के लिए MC के साथ जो हमारा है कोलाब्रेशन रहेगा जितनी भी वेस्ट होगी प्लास्टिक वेस्ट होगी तो ये लेके जाएंगे। इनसे हमारा एक अंडरस्टैंडिंग बनी है। इसी तरह जो है हम एक इनको और भी सजेशन दिया है कि ई वेस्ट भी काफ़ी है तो इन्होंने हमें ये भरोसा दिलाया है कि ई वेस्ट का भी हम कलेक्शन करके उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करेंगे। मेरे साथ हरिचंद जी हैं जो NSS ऑफिसर हैं और ये आमतौर पे हमारे जो ऐसे ड्राइव्स रहते हैं साफ़ सफाई वाले और स्वच्छता के जितने भी ड्राइव हैं ये कोऑर्डिनेट करते हैं स्कूल के फंक्शन में। मिस्टर अजय हैं ये हमारे प्रॉपर्टी इंचार्ज हैं और ये भी इस स्वच्छता में हर तरह से इसमें तत्पर रहते हैं उसके लिए अपने सहयोग के लिए। आज कितने बच्चों ने सर मतलब इस अप्रोक्सीमेटली 50 स्टूडेंट्स आए हैं तो हम इनको और भी मोटिवेट करेंगे ताकि हर बच्चा जिसके घर में भी वेस्ट है वो ला के हमें दे ताकि हमारा शहर जो है वो अच्छा हो सके। हमारे शहर में गंदगी जो जितनी प्लास्टिक का प्रॉपरली डिस्पोज अप हो सके। सर आप एज अ प्रिंसिपल और स्टूडेंट्स को क्या क्या संदेश देने जाएंगे न्यूज़ चैनल के माध्यम से? ऐसा है कि हमारा जो है डेली हमारी इस पे बहुत ज़्यादा एक कन्विंसिंग रहती है बच्चों के बीच में वो अराउंड इन वेन एवर दे आर इन द स्कूल वही नहीं है कि स्कूल में है तो उसमें स्वच्छता का ख्याल रखना है। वेन एवर दे मूव इन द सोसाइटी मोहल्ले में रह रहे हैं घर में रह रहे हैं तो वहाँ पे भी कि जिस तरह से अपने सिटी को स्वच्छ रखने में वो
मदद कर सकते हैं, अपने पड़ोसियों को जैसे भी मदद कर सकते हैं, तो हमारा जो है सिटी जो है स्वच्छता में है नंबर वन में आए, ताकि हमारा जो है सिटी में फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा एमसी दे रहा है, तो उसका हम लाभ उठा के अपने स्वस्थ रहें और स्वच्छ भी अपने सिटी को रख सकें। सर, जो आज आपने गवर्नमेंट स्कूल में ड्राइव चलाई है प्लास्टिक की, उसको लेकर, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, आज़ादी अमृत का महाउत्सव मना रहे हैं नगर निगम चंडीगढ़, उसके अंतर्गत आज हमने स्कूलों में जाके बच्चों से प्लास्टिक इकट्ठा किया है कि भाई जो भी प्लास्टिक गया आप नगर निगम को दो। तो ये अब आज हमने तकरीबन 4 स्कूलों में मनीमाजरा गेम चलाई है, गवर्नमेंट स्कूल MSC और रेमेंट स्कूल, गुरुकुल स्कूल और एक पिपलियाला टाउन का स्कूल है, 4 स्कूलों में हमने ड्राइव चलाई है और वहाँ से प्लास्टिक एकत्रित किया ताकि प्लास्टिक का मिसयूज ना हो सके। आज कितने बच्चों ने सर इसमें पूरा योगदान दिया और क्या क्या लेके आए हो अपने घर से, जैसे कि आपने मुझे बताया ऑफ कैमरा कि अपने अपने घर से वो सामान लेके आए प्लास्टिक का? हाँ जी, प्लास्टिक का सामान लेके आए, जैसे बोतलें वगैरह होती हैं जी, प्लास्टिक कटलरी का सामान होता है, ये प्लास्टिक चीज़ें जो वेस्ट हो जाती हैं वो चीज़ वो आज अपने घर से लेके आए। हर स्कूल में तकरीबन 50 या 60 बच्चों ने तकरीबन मिलके ये किया है और आगे हम भविष्य में ई वेस्ट के लिए भी एक ड्राइव चला रहे हैं। प्रिंसिपल जो MSC के प्रिंसिपल सर हैं राजेश जी, उन्होंने कहा कि हम ई वेस्ट के लिए एक ड्राइव चलाना चाहते हैं, तो हमने उनसे बात की है, तो इस हफ्ते के अंदर अंदर हम ई वेस्ट पर एक ड्राइव चलाएंगे कि जो भी ई वेस्ट सामान है वो इकट्ठा करके लाएं और नगर निगम को दें। सर, कहीं ना कहीं ई वेस्ट के बारे में दर्शकों को नहीं पता होगा, तो ई वेस्ट के बारे में थोड़ा समझाएं और थोड़ा प्लास्टिक के बारे में भी हर तरह जैसे आप अवेयर करते हैं, एक बार और हमारे चैनल के माध्यम से हम लोगों को अवेयर करें। जी, जो ई वेस्ट है लोगों को ये पता नहीं होता इसका करना क्या है। ठीक है जी, तो हम अपने नगर निगम के माध्यम से लोगों को इस बारे अवेयर करेंगे कि भाई जो ई वेस्ट है आप हमें दीजिए, क्योंकि उसका क्या होता है कि मिसयूज हो जाता है, हम उस मिसयूज से बचने के लिए उसको अपने बारे एकत्रित करेंगे और फैक्ट्री भेज के उसको रिसाइकिल करवाएंगे। और ऐसे ही सिंगल यूज प्लास्टिक है, आपको पता ही है कि पहले ये खाली चंडीगढ़ में बैन था, वो 1 जुलाई से ऑल ओवर इंडिया बैन है, उसके लिए भी बच्चों को अवेयर, क्योंकि बच्चे स्कूल में पाठशाला का काम करते हैं, बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, अगर बच्चों से हम स्टार्ट करेंगे अवेयर करना तो बड़े तक अच्छा मैसेज आएगा। सर, ये मुहिम आपकी तरफ से जारी रहेगी? सर, ये लगातार जारी रहेगी जी। चंडीगढ़ को नंबर वन बनाने के लिए हर संभव प्रयास नगर निगम करने लगी हुई है। आइए आप सब, आप चैनल के माध्यम से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आम पब्लिक से कि आइए नगर निगम का सहयोग कीजिए, जो जो ड्राइव नगर निगम की तरफ से चलाई जाती हैं उसमें सहयोग करें और सिंगल यूज़ प्लास्टिक और सफाई का विशेषकर ध्यान रखें, सिंगल यूज़ प्लास्टिक ना यूज़ करें, यही मेरी आपसे प्रार्थना। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।